पर बाबरी कलंक है। इस कलंक को मस्जिद कहना गुनाह अजीम है, क्योंकि मस्जिद के नीचे की खुदाई 137 मजदूरों ने की थी जिसमें 52 मुसलमान थे। खुदाई के दौरान 50 मंदिरों के स्तंभों के नीचे के भाग में ईंटों का बनाया हुआ एक चबूतरा मिला था और मंदिर से जुड़े कुल 265 पुराने अवशेष मिले थे, जिनके आधार पर भारतीय पुरातत्व विभाग इस निर्णय पर पहुंचा था कि ऊपरी सतह पर बनाई गई बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर दबा हुआ है। सीधे तौर पर माना जाए बाबरी मस्जिद इन मंदिरों को तोड़कर इसके मलबे से बनाई गई थी। इसका उल्लेख श्री के मोहम्मद द्वारा अपनी किताब मैं भारतीय हूं में किया गया है, जो कि खुदाई के दौरान वहां मौजूद थे। ऐसी स्थिति में उस बाबरी कलंक को जायज मस्जिद कहना इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत है। अभी भी वक्त है, बाबरी मुल्लाओं अपने गुनाहों की तौबा करो, प्रॉफिट मोहम्मद के इस्लाम को मानो, आतंकी अबू बकर उमर की विचारधाराओं को छोड़ो और एक समझौते की मेज पर बैठकर हार जीत के बगैर राम का हक हिंदुओं को वापस करो और एक नई अमन की मस्जिद लखनऊ में जायज पैसों से बनाने की पहल करो।